अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक ट्रेंड डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक रूट्स, जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था। इनका हिना कलर, हिना डाइट जो होता है इनका, तो मैंने किस तरह अप्लाई किया, इनके क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको सब बताऊंगी। अच्छा, इनकी किट के अंदर ग्लव्स भी होते हैं और इनका एक ब्रश भी होता है अप्लाई करने वाला, हिना ब्रश वो भी होता है, और इनकी एक पूरी चार्ट होती है जिसमें सब एवरेज मेंशन होता है कि आप इतने रेशियो से क्या कलर ले सकती हैं। तो आप चाहे तो पूरा ब्लैक जर्ड भी कर सकती हैं, बाल थोड़े लाइट ब्राउन, थोड़े डार्क ब्राउन, थोड़े रेडिश ब्राउन, ये सब। इनमें तीन चीज़ें होती हैं, एक इंडिगो होता है इनमें जिसे हम वास्मा कहते हैं, और कैसिया होता है। तीन चीज़ें, कैसिया, हिना एंड इंडिगो। अच्छा, पहले मैं डिस्कस करती चलूँ ये एक बात छोटी सी, कैसिया जो है ना, ज़रूरी नहीं है वो कलर दे। कैसिया एक लाइट सा टिंट देता है बालों में, पर वो टिंट गोल्ड होता है, पर जिनके जड ब्लैक बाल होते हैं तो उनको इतना नहीं इन्हेंस गोल्ड कलर आएगा। जिनके गोल्डन होते हैं बाल, ब्लॉन्ड के शेड में होते हैं, तो वो उनको बिल्कुल लाइट सा टिंट देता है। जिनके गोल्ड होंगे उन पर फील होगा, ब्लैक बालों पर नहीं फील होगा। दूसरा, ये हमें किस रेशियो से यूज़ करना है। अगर आपको चाहिए जड ब्लैक बाल या ब्राउनिश ब्लैक बाल, तो आप कैसिया और हिना पाउडर इक्वल क्वांटिटी में लें, फिर आप इंडिगो भी इक्वल क्वांटिटी में लें, पर इंडिगो हमें एट अ टाइम ऐड नहीं करना है। ये हम, और इसके अंदर आंवला भी था छोटा सा पैकेट में, दो सैशेट आते हैं आंवला पाउडर के, तो आपको वो भी ऐड करना होगा। मैंने जो है मोहिना ली थी और कैसिया लिया था, दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली थी मैंने, और मैंने इन पूरी मेहंदी को जो है ना सोक किया था लौंगों के पानी के अंदर, क्लोव वाटर, और एक दालचीनी भी मैंने डाल दी थी जिसे हम सिनेमन कहते हैं, वो भी डाल दी थी मैंने। इसका पानी को मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद मैंने ये पूरी मेहंदी का जो वो है मिक्सचर है मैंने बनाया ही इसी से है। मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया, प्लेन वाटर, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में हमें जाहिर सी बात है हमारी स्कैल्प हो गई गर्माई की ज़रूरत होती है हीट की, क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी ठंडी होती है, तो हमें कुछ ऐसा करना था जिससे हमें सर्दी ना लगे और नज़ला ना हो, क्योंकि मुझे बहुत फ्लू की प्रॉब्लम है। तो मैं ये इसलिए ये वाला पानी मैंने बना के डाला और मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं हुई, वरना लास्ट टाइम जब मैंने ये यूज़ की थी सर्दियाँ भी नहीं थी, तो मेरी फौरी जो मेरा जो जितना फ्लू है, जितना कुछ है ना, नज़ला, सब कुछ एलर्जी वगैरह वो आई पे आती है। लास्ट टाइम मुझे बहुत तकलीफ़ आ गई थी आँख में लगाने से, इस बार मैंने इस पानी से लगाई, लौंगों के पानी से, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई भी तकलीफ़ नहीं आई आँख की, क्योंकि मुझे एलर्जी वगैरह जो भी है सब चीज़ आँख पे ही सारा जोर देती है ये फ्लू शलू का। तो खैर, हमने कैसिया और हिना को और साथ में आंवला पाउडर, कैसिया और हिना की मैंने इक्वल क्वांटिटी ली थी। कैसिया के बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि वो लाइट सा टिंट देता है, इसके बेनिफिट ये भी हैं, आपके बालों को स्मूथ करता है, आपकी ग्रोथ को इन्हेंस करता है, आपके बालों को बहुत। तो कैसिया के ये बेनिफिट्स हैं, और हिना भी हमारे बालों को ब्राउन नहीं करेगी, वो रेड टिंट ही देती है। ये तीन चीज़ें हमने मिलानी इसलिए है, हिना, कैसिया और इंडिगो, कि हमारे कलर जो है बालों का ब्लैकिश ब्राउन या लाइट ब्राउन आए। अच्छा, इंडिगो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी, मैंने तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी से ली थी, इक्वल रेशियो से। इस बार मैंने इंडिगो थोड़ा कम लिया ताकि मेरे जड ब्लैक बाल ना हो, थोड़े से लाइट ब्राउन या ब्राउन के शेड में रहें, टोन में रहें। तो मैंने ये 4 to 5 टेबलस्पून इंडिगो लिया था, और इन्हें आपने जो है ना मेहंदी में ओवरनाइट हिना में सोक नहीं करना है, इन्हें आपको जस्ट राइट बिफोर यू गोइंग टू अप्लाई योर हिना, आपको तब ये जो है 20 मिनट्स बिफोर आपको ये सोक करके रख लेनी है, सिर्फ 20 मिनट्स तक के लिए। और जब कलर देखे इसका चेंज लाइट ग्रीन से थोड़ा डार्क ग्रीन सा हुआ था, लीफ ग्रीन कलर हो गया था, फिर हम इन तीनों चीज़ों का, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको इसमें मिला दो, वरना एक स्टेप ये होता है कि अगर आपको चाहिए आपके वाइट और ग्रे हेयर कवर करना है, कवरेज देनी है, तो आप पहले जो हमने ये हिना बना के रखी थी कैसिया आंवला मिक्स करके, तो आप ये अप्लाई कर लो, फिर आप हेड वॉश करने के बाद या तो उसी दिन आप ये इंडिगो अप्लाई करें, या फिर आप इंडिगो नेक्स्ट डे अप्लाई करें, क्योंकि इंडिगो जो है ना डायरेक्ट कलर नहीं देता, वो हिना वाले बालों पे ही कलर देता है।
तो और इंडिगो का ब्लैक कलर नहीं होता अपना, उसका ग्रीनिश ब्लू कलर होता है अपना इंडिगो का। तो अगर आप लगा रही हैं मेहंदी के अंदर मिक्स करके, तो आपने अपनी हिना पाउडर जो है रात भर सोक करना है, और सुबह उठने के बाद आपने जो है इंडिगो के अंदर मिक्स करना है, पर इंडिगो को अलग से आपने 15 से 20 मिनट सोक करके फिर मिक्स करना है इसके अंदर।